अभी सुबह का 9:30 के करीब हो रहा है और हम लोग पूरा रेडी हो चुके हैं बाहर निकलने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं, आज कुछ जगह गुड बाकी मॉर्निंग है। एवरीवन, वेलकम बैक टू परमा कुर्मी व्लॉग। और कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज डे थ्री थ्री है लखनऊ में। अभी फिलहाल सुबह सुबह हम सब रेडी हो गए, आप तो देख ही हो, तो एकदम रेडी है जाने के लिए। रूम थोड़ा सा अफरा तफरी मचा हुआ है, रूम का हालत खराब है गाइस, क्योंकि पता ही चला 3-4 दिन से है बच्चों के साथ, तो रूम थोड़ी सी तो अफरा तफरी मची होगी होगी, है ना। और चलो आज हम लोग निकल रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। लखनऊ का फेमस सरदार जी का छोले भटूरे बहुत सुने हैं, तो कल तो वाजपेयी कचौरी भंडार में खाए थे, चलो ठीक ठाक है। तो आज जाएंगे हम लोग सरदार जी का छोले भटूरे खाने। हाँ जी हाँ जी शेखर जी हाँ, तो हस्बैंड भी बोल दिए हैं हाँ। चलो सरदार जी का छोले भटूरे खाएंगे, फिलहाल चलो हम लोग निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। अभी ऐसा 9:30 हो रहा है हम नहीं लोगों नहीं को, 9:50 48 9:48 हो रहा मतलब 10 है, बजने जा ये रहा है। देखो 9:48 हो रहा है, 10 बजने जा रहा है। हम लोग को सुबह सुबह 8 बजे निकलना था लेकिन वो तो हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग का प्लान है आज जू जाएंगे, वहाँ नेशनल मतलब स्टेट म्यूजियम है कुछ लखनऊ का, वो विजिट करेंगे। मम्मी का और मम्मी मम्मी है वहाँ पे, जो भी हो तो हम लोग वहाँ विजिट करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल चलो निकलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। तो जी हम लोग अभी निकल गए हैं एकदम रेडी होके। यहाँ से ना शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाती है, एकदम सामने है, शेयरिंग ई रिक्शा मिल जाती है। ये सेंट्रल है, होटल का नाम भी सेंट्रल है और जगह भी यहाँ पे अमीनाबाद जगह पे हैं हम लोग। होटल बेहद खूबसूरत है गाइस, बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग फिलहाल यहाँ से ना ई रिक्शा कर लेंगे। ई रिक्शा में आपका 20 रुपीज़ ईच लेता है शेयरिंग में, और अगर आप रिजर्व में जाओ तो 100 रुपीज़, ये उन लोग का फंडा होता है। मतलब शेयरिंग में जाओ 20 रुपीज़, इसलिए क्योंकि और दो लोग ले लेगा तो 100 रुपीज़ उन लोग का हो जाएगा। मेन उसको 100 रुपीज़ देना है, तो आप रिजर्व भी करा सकते हो। हम लोग एक दो दिन रिजर्व कराए, लेकिन हम लोग का यहाँ से सामने जाना है। वो कौन सा मॉल है, कहाँ पड़ता है जो वो सेंटर, कहाँ पड़ता है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, वो जो चौक नॉवेल्टी चौक नॉवेल्टी सिनेमा, हम लोग जा रहे हैं नॉवेल्टी सिनेमा। अच्छा वो ना हजरतगंज में नहीं पड़ता है सरदार जी का छोले भटूरे, वो पड़ता है नॉवेल्टी चौक जो है, नॉवेल्टी सिनेमा हॉल वहाँ पे अमीनाबाद से पास में ही है। यहाँ से हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं, फिर चलो मिलते हैं वहाँ जाके। जी हम लोग पहुँचे हैं सरदार जी का छोले भटूरे, छोले कुलचे यहाँ पे सब चीज़ मिलता है, फेमस है, तो बस वहीं पहुँचे हम लोग। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, ये है सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे सरदार जी के, यहाँ पे ओपनली बन रहे कुलचे। और बस ये देखिए अंदर बैठने की भी जगह है, ऐसा नहीं है लेकिन भरा रहता है। मम्मी का शॉप है यहाँ पे, ओपनली हलवा भी बन रहा है यहाँ पे। इन लोग का रेट कार्ड भी है आप लोग के पीछे, जी हम लोग अभी ऑर्डर कर दिए हैं छोले कुलचे और छोले चावल, तो देखते हैं कैसा होता है आने पर। दीजिए यहाँ पे आ गया है छोले चावल, छोले चावल में छोले प्याज अचार और सोयाबीन और बच्चा के लिए आ गया ये छोले चावल, कैसा है मस्त अच्छा है।
और जी मैंने ऑर्डर किए थे छोले कुलचे, और उसके साथ छोले के साथ आया है प्याज अचार, हरी चटनी, और उसके साथ गर्मा गर्म पनीर और आलू का स्टफिंग किए हुए कुलचे घी में लथपथ। गाइस माइंड ब्लोइंग, मतलब आराम से एंजॉय करते हैं यहाँ। मैं एंजॉय करती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे हलवा भी है, खाना इतना जबरदस्त था, खाना इतना जबरदस्त था क्या बताएं। आप लोग लखनऊ आ रहे हो ना तो यहाँ जरूर ट्राई करो सरदार जी छोले भटूरे, और यहाँ जरूर ट्राई करो। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और फेमस तो है ये, साथ में पॉकेट फ्रेंडली भी है। और नॉवेल्टी जो चौक है ना, नॉवेल्टी हॉल, उसका एकदम बगल में है, अमीनाबाद मार्केट से एकदम नज़दीक है, उसका बगल में ही है। चलिए अब निकलते हैं, खाना वाना खा के हम लोग निकल गए अभी यहाँ पे। यहाँ से अभी यहाँ पे कुलचा हाँ भी है, उससे अच्छा है कि मस्त था खाना, सच में इतना अच्छा लगा खा के, बाय गॉड दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। है ना सरदार जी की छोले भटूरे, छोले कुलचे के जो छोले भटूरे की दुकान है उसका बगल में शर्मा जी की चाय, ये देखिए भीड़ लगी हुई है। अभी चाय पीने का भीड़ में जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे मस्त चाय मिलती है, मलाई मार के तंदूरी चाय एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाती है, लखनऊ फेमस चाय, वो भी नॉवेल्टी चौक के एकदम करीब में है। नॉवेल्टी चौक सामने है, उस सामने में ही पड़ता है, दशरथगंज में नहीं, तो हम लोग सोचे थे दशरथगंज में पड़ता है, तो कल ऑटो वाले भैया बोले कि नहीं सब चीज़ यहीं पे पड़ता है। ये देखिए मेरे पीछे ये है शर्मा जी की चाय सेंटर, कितनी भीड़ लगी हुई है, अभी चाय के लिए लाइन लगाने पड़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी जू जाने वाले हैं, म्यूजियम जाने वाले हैं, तो उतना टाइम तो है नहीं, मस्त खाना पीना खा लिए हैं। फिलहाल हम लोग अभी ई रिक्शा करेंगे और निकलेंगे यहाँ से, लोग पहुँच गए हैं जू अभी यहाँ पे, तो चलो पहले टिकट लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। और जी हम लोग एकदम जू के सामने हैं, जा रहे हैं टिकट काउंटर पे, दिस इज़ द टिकट काउंटर ऑफ दिस जू, तो टिकट काउंटर में हम लोग पहुंच गए हैं और टिकट लेके फिर हम लोग अंदर की तरफ आए हैं, और पानी का बॉटल में ये लोग एक स्टिकर लगा देते हैं। अच्छा लग रहा है, मैं दिखाऊं, ये सामने है मिनिएचर, सब ये ना सारे मिनिएचर स्टैचूज है, यहाँ पे आप लोग खड़े होके सेल्फी वगैरह ले सकते हो, इसीलिए ये बनाया गया है। तो बस यही, इसी के साथ मैं थोड़ा बहुत सेल्फी वेल्फी लिया, और हम लोग नहीं लिए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली देखने में जू के सामने। उसके बाद हम लोग निकल पड़े सीधा जो भी सामने मिले, डियर पार्क या फिर स्नेक या फिर टाइगर लायन जो भी मिले, चलो निकलते। और मैं बड़ा खुश था यहाँ आके, लेकिन यहाँ आके पता है ये जो गाड़ी है ना, ये भी आप हायर कर सकते हो घूमने के लिए। हम लोग अभी जा रहे हैं टॉय ट्रेन में, मैं का फेवरेट, चलो टॉय ट्रेन देख गया उसको, तो टॉय ट्रेन में जाते हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे टॉय ट्रेन एरिया में, ट्रेन खड़ी थी लेकिन पूरी तरह से खाली थी, तो ये लोग बोले जब तक भरेगा नहीं ट्रेन तब तक हम लोग चालू नहीं कर सकते, तो यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मयंक तो यहाँ पे एंजॉय कर ही रहा था बहुत अच्छा से, देखिए कितना वो एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ना थोड़ी सी सेल्फी वेल्फी लिए, थोड़ी सी रील बनाए, तो उसके बाद हम लोग निकल गए दूसरा जगह पे, मतलब दूसरा चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि टॉय ट्रेन लास्ट में हम लोग देखेंगे अगर भीड़ बढ़ेगा भरेगा तब तक, लेकिन नहीं तो कब तक हम लोग इंतज़ार करते रहे यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन यहाँ पे रील बहुत अच्छा अच्छा बनाए, वो इंस्टाग्राम में आप लोगों के पास पहुंच जाएगा ऑलरेडी, और इसमें शॉर्ट्स भी बनाए हम लोग,
और बहुत सारे सेल्फीज लिए। मयंक का तो ये टॉय ट्रेन फेवरेट है, तो हर जगह में जहाँ भी जाता है तो पापा टॉय ट्रेन में आना है। तो फिलहाल हम लोग टॉय ट्रेन छोड़ के फिर आ गए यहाँ पे डियर पार्क में, और डियर पार्क मयंक को बहुत पसंद आ रहा था, तो वो बोल भी रहा था, पूछ भी रहा था, तो वही उसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग भी इंजॉय किए। होता है ना कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार सेल्फी उठा लो। और उस सेल्फी उठाने के लिए एकदम मतलब इतना इनकरेज कर रहा था कि पापा सेल्फी उठा लो। आप लोग सुने भी, मैं सुनाने के लिए मैं काटी ने वॉइस ओवर नहीं दिए वहाँ पे। लखनऊ आ रहे हो ना बच्चों के साथ तो जू मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली जू में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। डियर पार्क है, स्नेक देखे, तो अभी चलो मयंक तो बड़ा इंजॉय कर रहा है। बच्चों के साथ आ रहे हो ना तो जू मिस मत कीजिएगा लखनऊ जू। फिलहाल यहाँ पे हम लोग आ गए थे कुछ बर्ड्स वगैरह देखने के लिए, कुछ था नहीं यहाँ पे। तो ये है ना, ये टॉय ट्रेन का लाइन एकदम बीचों बीच से गया हुआ है, जैसे हम लोगों का निको पार्क में किया हुआ है ना, वैसे यहाँ पे जू में किया हुआ है। जू बहुत बड़ा एरिया में है यहाँ पे, पहली बात है, और दूसरी बात पूरा ना फॉरेस्ट टाइप का किया हुआ है, जो नेचुरल में जो बर्ड्स लोग या फिर नेचुरल में रहे हाँ तो एनिमल्स लोग, उसी हिसाब से किया गया है यहाँ पे। तो फिलहाल बर्ड्स का सेक्शन छोड़ के हम लोग आ गए थे, यहाँ कुछ सेक्शन था, जाने गए हम लोग, फिर इतना खाली खाली लगा तो हस्बैंड बोले नहीं चलो यहाँ से निकलो, दूसरा जगह में चलते, यहाँ नहीं जाते, यहाँ पे आपका स्नेक वगैरह भी हो सकता है ना। तो बस लाइन के ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है यहाँ पे, और ऐसा कार भी यहाँ मिलता है, आप लोग चाहो तो ये कार भी हायर कर सकते हो। 470 रहता है एक घंटा घुमाने का, लेकिन हम लोग नहीं लिए क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एंजॉय करना है, थोड़ा रुकना है, थोड़ा देखना है, थोड़ा उतरना है, मतलब खड़ा रहना है। ऐसे कार में एक टाइम लिमिट होती है, जो टाइम लिमिट अच्छा चलो वो टाइम लिमिट में नहीं घूमना है आज हम लोगों का, हाथ में टाइम है तो चलो अच्छा से इंजॉय करें, यही फंडा है। इसीलिए हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, कार हायर हम लोग नहीं किए हैं। चलते चलते हम लोग पहुंच गए टाइगर वाला सेक्शन में मैं इनको दिखाने। ये बच्चा मेरा डर रहा है एकदम, पता नहीं क्यों बहुत डर रहा है। तो फिलहाल हम लोग सारे सब चीज़ देख के टाइगर का खोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब क्या जोश है हम लोगों का, क्या इंथू है, मतलब क्या ही बताए, इतना धूप में, इतना गर्मी में, ना हम लोगों के पास अम्ब्रेला है, ना कोई कैप है, और एक ठंडा पानी का बॉटल जो मैं कैरी कर रहा है। फाइनली हम लोग टाइगर का खोज करते हुए पहुँचे यहाँ पे, लेकिन टाइगर जी सो रहे थे जी। हाँ तो बस ये हस्बैंड बोले कि चलो मैं ही उठा लेता हूँ, तो मतलब इतना थक गई थी। और फिर उसके बाद दोबारा से कोई बर्ड्स का सेक्शन आया था, मतलब वो जगह क्रॉस करते हुए, तो ये बर्तक का सेक्शन आया था, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था हम लोगों को देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए, ये बहुत अच्छा लगा। और इसका पानी वगैरह जो जगह है ना, पूरा एकदम नेचुरल बनाया हुआ है, आप लोग देख ही सकते, तो मतलब ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियल वो लोग को कोई प्रॉब्लम हो। और सामने ना कांच से मतलब ग्लास से घिरा हुआ है, ताकि जो लोग देख रहे हैं उन लोग को देखने के लिए भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहाँ पे हम लोग ये बर्ड्स वाला सेक्शन में तो बड़ा एंजॉय किया। वो बच्चों को पता नहीं जू में इतना अच्छा लगता है, मैं भी देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि क्या मुझे रील बनाना चाहिए। फिलहाल जीराफ वाला सेक्शन में आए, कोलकाता में तो 3-4-5 है, वहाँ पे एक ही था। तो और उसके बाद ही साइड से निकलते हुए गुजरते हुए हस्बैंड का फेवरेट जगह मिल गया, फिश एक्वेरियम। ये तो उनका मतलब फेवरेट, आप लोग अगर मेरा पुराने व्यूअर्स हो, पुराने फ्रेंड्स हो, फैमिली में यूट्यूब फैमिली मेम्बर हो, आप लोग जानते ही हो मेरे घर में कितने बड़े बड़े एक्वेरियम्स है, 3-4-5 एक्वेरियम्स है मेरे घर में। तो और हस्बैंड हर चीज़ का एक्वेरियम, प्लांटेड से लेके हर चीज़ का एक्वेरियम के वो बहुत शौकीन है, फिशेस का बहुत शौकीन है। तो उनका फेवरेट जगह मिल गया, तो हम लोग आ गए थे एक्वेरियम देखे, और उसके बाद ना गुजर रहे थे, साइड में ही है स्टेट म्यूज़ियम, सामने ही एक बड़ा सा फ्लाइट खड़ा हुआ था। तो हस्बैंड बोले कि नहीं अभी स्टेट म्यूज़ियम
नहीं पहुंचते, फिलहाल कुछ जगह बाकी है वो देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए थे एक्चुअल जो रॉयल बंगाल टाइगर उसका वो ही जगह का सेक्शन में आ गए थे हम लोग, खोजते हुए खोज करते हुए पहुंचे। तो बस यहाँ पे तो टाइगर दिख गया हम लोगों का। तो देखिए कितना छोटा छोटा जाली लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे ना टाइगर को आप छेड़खानी बिल्कुल करना मना है, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से रहते हैं। और साइड में ये सारे मिनिएचर स्टैचू बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग अच्छे से सेल्फी ले सकते हो, बच्चों को सेल्फी मतलब बच्चों के साथ भी ले सकते हो, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे एक मादर टाइगर उसके बच्चों के साथ, और ये जो स्टैचू और मिनिएचर स्टैचू बनाया हुआ है ना, ये तो माइंड ब्लोइंग था जी। तो हम लोग ये सारे सब चीज़ देखे और उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे स्टेट म्यूज़ियम की ओर, लेकिन थक गए हैं बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी बैठ हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, बहुत चल रही है पैदल, थोड़ी बहुत रेस्ट कर ले उसके बाद निकलेंगे स्टेट म्यूज़ियम। यहीं पे बगल में ही पड़ता है, जू के अंदर ही है स्टेट म्यूज़ियम, तो आप लोग वहाँ भी विज़िट कर सकते हो। एक्चुअली हम लोग करेंगे वहाँ पे विज़िट, थोड़ी सी रेस्ट कर ले, कमर सीधी कर ले, बहुत पैदल चलना पड़ता है। अच्छा लगता है, बच्चों को लेके आइएगा ना तो अच्छा बहुत लगेगा। हाँ एक्चुअली बहुत ही पैदल चले हम लोग, कम से कम दो घंटा से तो चल ही रहे हैं। तो हस्बैंड और मैं भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद सामने ही है फॉक्स वाले सेक्शन, वो सारे देखेंगे और उसके बाद डायरेक्टली निकलेंगे हम लोग स्टेट म्यूज़ियम की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे ना फॉक्स वाले सेक्शन है, ये लुक एट दिस, दिस इज़ द फॉक्स वाले एरिया। तो यहाँ मैं दिखा भी रही हूँ, कुछ लोमड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये देखिए घूम रहा है यहाँ पे। तो जी आज वाली व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी पसंद आए, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विच इज़ परमाकुर्मी व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलती हूँ इसी का कंटिन्यूटी।